भाई क्या चैप्टर था ये, मतलब उड़ा सेंसे को कुछ भयंकर ड्रॉप करना ही है ना, बंदा बैठकर एग्जाम की पढ़ाई भी ना करे। सही बता रहा हूँ, उन्होंने ये जानबूझकर करा है। खैर चलो चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लूफी का ड्रीम कुछ और है, इसका हिंट हमें पहले भी मिल चुका है जब लूफी एस और साबो को अपना ट्रू ड्रीम बताता है। पानी की लहर उस क्लिप से टकराने के कारण हम व्यूवर्स को ये मालूम नहीं चल पाता है कि उसका ट्रू ड्रीम क्या था, बट उस टाइम हमने ये एज्यूम कर लिया था कि हाँ वो पायरेट किंग ही बनना चाहता है। लेकिन फिर एपिसोड 1015 में हमें ये मालूम पड़ता है कि लूफी और रॉजर का ड्रीम भी सेम है। लेकिन रॉजर के टाइम पे तो पायरेट किंग जैसा कुछ टाइटल था ही नहीं, इसका मतलब रॉजर का ड्रीम पायरेट किंग नहीं हो सकता। और इस सीन में जब ये लोग अपने ड्रीम को कहते हैं तब उस स्पेसिफिक वर्ड को फिर से कट कर दिया जाता है। और फिर चैप्टर 1016 में लिटरली ओडा ने लिख कर कहा है कि नहीं, लूफी का एक्चुअल ड्रीम कुछ और है। इस चीज पर वैसे तो बहुत ही अजीब अजीब थ्योरीज बने हैं, लेकिन जो सबसे फेमस थ्योरी है वो यही है कि उसका ड्रीम है कि उसको सबसे बड़ा पार्टी करना है पूरे वर्ल्ड के साथ, जहाँ पर वो कुछ भी खा सकता है, जहाँ पर वो कुछ भी पी सकता है, और वो भी सबके साथ एक यूनिटी में। और इसी कारण से हमें हर आर्क में एक पार्टी देखने को मिलता है जो कि फोर शैडोइंग की तरह है। एंड देखा जाए तो ये चीज फनी है और इम्पॉसिबल भी, और इसी वजह से व्हाइट बियर्ड और ओडिन हंस रहे थे और एस और साबो भी हंस रहे थे। बट यू नो व्हाट, प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है इस चैप्टर में। तो चैप्टर 1060 में हमें मल्टीपल रिएक्शन देखने को मिलता है पूरे के पूरे क्रू का, और जैसा उनका रिएक्शन था उसके बेसिस पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि लूफी का एक्चुअल ड्रीम यही है कि उसको पार्टी देना है। जबकि उनके रिएक्शन के बेसिस पर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि लूफी के एक्चुअल ट्रू ड्रीम का कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे सिर्फ लूफी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लूफी और रॉजर दोनों को साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों का ड्रीम सेम है। ओके, तो सबसे अलग रिएक्शन मुझे यहाँ पे निको रॉबिन का लगा है, जहाँ पे उसके रिएक्शन से कुछ ऐसा इंडिकेट हो रहा था कि उसको इस चीज के बारे में ऑलरेडी मालूम है अपने नॉलेज की हेल्प से। मतलब वो इस चीज को खुद के साथ या फिर उसके नॉलेज के साथ वो रिलेट कर पा रही थी कि हाँ लूफी का ड्रीम एक्चुअली सेंस बनाता है अगर उसको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जोड़ा जाए तो। क्या यहाँ पे हम लोग विल ऑफ डी वाले फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि इंटरेस्टिंगली निको रॉबिन लूफी से आगे पूछती है कि बाकियों का रिएक्शन क्या था तुम्हारे ड्रीम को सुनने के बाद, जिसके रिप्लाई में लूफी कहता है कि उसने वैसे तो सिर्फ तीन ही लोगों को बताया है, एस, साबो और सैंग्स। वैसे तो सब लोग हंस रहे थे लेकिन सैंग्स के आंखों से आंसू भी आ रहा था, और हमें यह मालूम है कि सैंग्स के आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे, रीजन बीइंग कि रॉजर ने उसको भी सेम ड्रीम ही बताया होगा। मतलब लूफी का ड्रीम कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि वन पीस वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा। आगे हमें कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलती है, लाइक लूफी का ड्रीम इम्पॉसिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसॉप, और एट द सेम टाइम वो बहुत ही फनी भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जिम्बे, सांजी, फ्रैंकी। फिर एक और जो काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन था वो था चॉपर का। वैसे तो यहाँ पे ये चीज काफी कॉमन है कि हाँ चॉपर कुछ ऐसे रिएक्ट करता, लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि लूफी का जो ड्रीम है वो काफी बचपना टाइप या फिर कुछ फैंटेसाइज टाइप चीज है, यानी कि ये ड्रीम काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए जो कि कुछ बचपना टाइप चीज हो। लेकिन फिर यहाँ पे नामी का रिएक्शन सीन ही चेंज कर देता है। चॉपर के रिएक्शन के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि नामी या तो बहुत ज्यादा हंसेगी या तो वो उसॉप की तरह इसे इम्पॉसिबल कहेगी, बट यहाँ पर उसका रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि लूफी का ड्रीम बहुत ही ज्यादा अच्छा और पीसफुल है, और ऐसा ड्रीम सिर्फ लूफी जैसा कोई ही सोच सकता है। सो लूफी का ड्रीम कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि वन पीस वर्ल्ड को अफेक्ट करे, वो इम्पॉसिबल हो, वो इतना रेडिक्यूलस और फनी हो, एंड एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो, बट फिर भी वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि लूफी जैसा कोई ही सोच सकता है। याद करो जब रॉजर लाफ्टल गया था वन पीस के मिलने के बाद, वो लोग काफी हंस रहे थे और रॉजर स्पेशली ये मेंशन करता है कि काश वो जॉय बॉय के टाइम पे रहता। तो मेरा गैस यहाँ पे ये है कि जॉय बॉय का भी ड्रीम एक्चुअली सेम था रॉजर की तरह और सेम था लूफी की तरह। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्या पिछला जॉय बॉय और रॉजर ने अपना ड्रीम अचीव किया था?
Well, मुझे नहीं लगता। जब रॉजर यहाँ पे मेंशन करता है कि काश वो पहले जॉय बॉय के टाइम पे होता, तो क्या इसका मतलब ये है कि रॉजर का जो ड्रीम है वो उसके टाइम पे ही पूरा किया जा सकता था? लेकिन फिर जब आगे वो ये भी कहता है कि नहीं, वो लोग टाइम से काफी पहले आ गए थे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही इसको इस ड्रीम को पूरा किया जा सकता है, यानी कि लूफी अभी एक्चुअल टाइम पे है लेकिन रॉजर नहीं था। रॉजर बहुत ही खराब किस्मत में था एक्चुअली। अब वो ड्रीम क्या है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कमेंट्स में अगर कोई खाने पीने का बात किया ना, तुम्हारी वाट लगा दूंगा कसम से। एक बंदा मेरे को कह रहा था कि लूफी का एक्चुअल ड्रीम है कि वो चांद पर जाकर अपना चेहरा बनाए। Well, ये चीज एक्चुअली काफी सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, लेकिन मेरे ख्याल से नामी यहाँ पे इस ड्रीम को सुनने के बाद ऐसा रिएक्शन नहीं देती। और फिर यहाँ पे जॉय बॉय और रॉजर वाला केस भी आ जाता है आगे। हाँ, इमू सामा के बारे में हमें दिखाया जाता है। और यार ये पैनल, ये जो यहाँ से जब सीन चेंज होता है ना, पूरा का पूरा मांगा डार्क हो जाता है। मतलब हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे सीरियसनेस वाला वाइब आता है। और जब यहाँ पे इमू सामा को जब अटैक करते हुए दिखाया जाता है, उसके बाद ना हमें मालूम पड़ता है कि भाई बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मतलब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि वो लिटरली एक गॉड टाइप जीव है, जैसा कि साबो यहाँ पे मेंशन भी करता है। तो क्या इमू सामा सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो कोई एंसेंट वेपन यूज कर रहा था, या फिर वो खुद ही एक एंसेंट वेपन है? Well, ये तीनों ही सही जवाब हो सकते हैं। लेकिन एंसेंट वेपन से रिलेटेड मेरे पास कुछ और मेजर इन्फॉर्मेशन है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।